If your vision is not clear, keep an eye on your efforts. तो गाइज हमेशा अपनी कोशिश पर नजर रखिए कि आप कोशिश कितनी डाल रहे हैं, फिर जाके विजन भी क्लियर हो जाएगा. गाइज थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो. आज का जो टॉपिक है बड़ा ही शानदार है, जैसा कि आपने देखा वो है idioms and phrases. ये बहुत ही कमाल का काम करते हैं आपकी इंग्लिश को एनहांस करने के लिए. Hey there, my name is Kanchan and you're watching me on English Connection. So guys, आज जो आप idioms and phrases सीखने वाले हैं वो है 10, और देखिएगा कितने कमाल के हैं. कैसे पता चलेगा आपको, देखिए सबसे पहला है अप एंड अबाउट. अब ये जब आप पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्लियरली नहीं समझ में आ रहा. इसका मतलब हो गया अप मीन्स ऊपर कर लीजिए, अबाउट मीन्स के बारे में, ऊपर और के बारे में कोई मतलब नहीं निकला. लेकिन इसका बहुत ही खास मतलब है. क्या है वो? चलने फिरने लगना. अच्छा, कैसा चलने फिरने लगने का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? टू कम आउट ऑफ बेड, टू कम आउट ऑफ बेड आफ्टर एन इलनेस. तो चलने फिरने मतलब, चलने फिरने लगने का मतलब ये है कि जब भी किसी बीमारी के बाद आप बिस्तर छोड़ते हैं, चलने फिरने लगते हैं, ठीक है, यानी कि स्वस्थ हो जाते हैं. इलनेस, इंजरी और इनएक्टिविटी. ये भी नहीं है कि सिर्फ इलनेस, इनएक्टिविटी यानी कि जब आप कुछ नहीं कर रहे उसके कुछ देर बाद भी अगर आप चलने फिरने अपनी मूवमेंट्स करने लगते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स में बेटर समझ पाएंगे. चलिए, द सर्जरी वेंट वेरी वेल, शील बी अप एंड अबाउट सून, शील बी अप एंड अबाउट सून. क्लियर हो गया होगा आपके लिए, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि सर्जरी बहुत अच्छे से हो गई. शील बी वो अप एंड अबाउट सून मतलब वो बहुत जल्दी चलने फिरने लगेगी. तो जब भी कोई बीमार है या कुछ भी तो आप इसे यूज कर सकते हैं बीमारी के बाद के लिए. आई एम अप एंड अबाउट, मैं चल फिर रही हूँ, मतलब सेंस लीजिए आप जिस तरीके से हिंदी में बोलते हो बोल सकते हैं. आई एम अप एंड अबाउट बट आई एम नॉट रियली वेल येट, मतलब मैं बहुत अच्छे से सही नहीं हुई हूँ, अभी एकदम स्वस्थ नहीं हुई हूँ, हालांकि मैं चल फिर रही हूँ. ये नहीं है कि मैं बिस्तर पर पड़ी हुई हूँ, ठीक है, ये हो गया. अब देखिए एक और सेंटेंस, दे वर ऑल थ्रिल्ड टू बी अप एंड अबाउट आफ्टर 9 hours ऑन अ बस. अब आप समझ गए, यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल लिया है, इनएक्टिविटी मतलब कि 9 घंटे बस पर, बस का सफर करने के बाद वो बहुत ही एक्साइटेड थे. दे वर ऑल थ्रिल्ड का मतलब कि वो सभी बहुत एक्साइटेड थे टू बी अप एंड अबाउट, चलने फिरने के लिए, क्योंकि बैठे बैठे पैर भी जाम हो जाता है ना. तो आपने अप एंड अबाउट समझ लिया, अब आप इसे बड़े आराम से यूज करेंगे. आई एम श्योर एक सेंटेंस आप लेके फटाफट कॉमेंट सेक्शन में अपनी प्रैक्टिस भी कर लीजिए और मुझे भी पता चल जाए कि आपके लिए ये कितना काम आया. नेक्स्ट, चीट शीट, चीट शीट. चीट का मतलब तो आप समझ रहे हैं, धोखा. आप चीट शीट का मतलब क्या हुआ अगर हिंदी में बोले तो? जिसे हम चुटका बोलते हैं जो कि एग्जामिनेशंस में यूज होता है, आई डोंट नो आप इसे क्या बोलते हैं बट मैंने यही सुन रखा है. अ शीट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप कुछ और बोलते हो तो लिख के जरूर बताइएगा. अ शीट कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि कोई इन्फॉर्मेशन होती है. तो एग्जामिनेशंस में जो आप ले जाते हैं ना चोरे छिपे जो चीटिंग करने के लिए, वो कहलाता है चीट शीट. एग्जाम्पल, रोहन गॉट कॉट यूजिंग अ चीट शीट ड्यूरिंग द एग्जाम. रोहन एग्जाम के समय चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया. ठीक है, समझ आ गया आपको. सम पॉलिटिशियंस, अब ये नहीं है कि एग्जाम की बात कर रहे हैं, देखिएगा, सम पॉलिटिशियंस यूज अ चीट शीट, कुछ जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो चीट शीट यूज करते हैं. व्हाइल कब? व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस बाय द प्रेस. जब प्रेस सवाल पूछता है तो कुछ लोग पहले से तैयारी करके लाते हैं लिख के कि क्या बोलेंगे अगर ये पूछा गया. तो समझ आ गया, ये भी आप यूज कर लेंगे. तो एक सवाल है मेरा, हैव यू एवर मेड अ चीट शीट? वेदर आप नहीं बताना चाहें तो ना बताइएगा, लेकिन ये सवाल मैं पूछूंगी जरूर. जो बताना चाहेंगे आप बताएंगे जरूर कॉमेंट सेक्शन में. टेक फॉर अ राइड, क्योंकि कभी ना कभी हमने चीट शीट यूज की ही होगी, हर किसी ने कभी ना कभी. जरूरी नहीं है कि मैं एग्जामिनेशंस की बात कर रही हूँ, कभी लेक्चर देने जा रहे हैं आप तब भी यूज करते हैं, है ना. तो जरूर किया होगा, जरूर बताइएगा. टेक फॉर अ राइड अगला है. अब टेक फॉर अ राइड का मतलब अगर ध्यान दे तो राइड का मतलब हम टेक फॉर अ राइड, कोई ट्रिप हो गई उसके लिए लग रहा है. तो देखिए इसका मतलब क्या है, उल्लू बनाना या फिर ठगना, बिल्कुल अलग है. गाइज idioms एंड phrases, ये जो मैं लेकर आई हूँ आज 10, ऐसे में और बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगी, क्योंकि ये बड़े ही कमाल का काम करेंगे ना. यूज जरूर से कीजिएगा अपने कॉन्वर्सेशन में. उल्लू बनाना या ठगना, टू ट्रिक somebody, यानी कि किसी को धोखा देना एक तरीके से.
ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. आई पेड ऑनलाइन फॉर अ ड्रेस बट इट वॉज नेवर डिलीवर्ड. मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया एक ड्रेस के लिए लेकिन नेवर डिलीवर्ड, मतलब कभी आया ही नहीं. आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स, कुछ हफ्तों के बाद आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ दैट आई हैड बीन टेकन फॉर अ राइड, मुझे उल्लू बनाया गया है, मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है. कुछ हफ्तों के बाद एहसास हुआ, क्योंकि कुछ हफ्तों तक तो मैंने वेट ही किया, फिर जब नहीं आया तो मुझे समझ में आया दैट आई हैड बीन टेकन फॉर अ राइड. तो ये टेक फॉर अ राइड का यूज़ इस तरीके से यहाँ हुआ, हैड बीन के साथ आया तो टेकन आया. ठीक है, एक और देखते हैं. इन, आपने ये मूवी ज़रूर देखी होगी, ज़रूर से लिख के बताइएगा अगर देखा या नहीं. सोनू के टीटू की स्वीटी, इस मूवी में हिज गर्लफ्रेंड इज, अगर स्टोरी पता है तो आप जानते हैं इसका मतलब साफ समझ आ रहा है. हिज गर्लफ्रेंड इज टेकिंग हिम फॉर अ राइड. शी इज नॉट एज स्वीट एज शी लुक्स, वो जितनी सीधी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं, वो उसे उल्लू बना रही है, उसके साथ धोखा कर रही है. हिज गर्लफ्रेंड इज टेकिंग हिम फॉर अ राइड, या आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. आई थिंक योर गर्लफ्रेंड इज टेकिंग यू फॉर अ राइड, तो वहां पे टेकिंग यू हो जाएगा अगर आप किसी से अपने सामने वाले से बोल रहे हैं तो. ठीक है, क्लियर आपके लिए. इसे याद करने के लिए, अगर ये आपको लगे कि टेक फॉर अ राइड को याद कैसे करें गाइस, तो ये ट्रिक है आपके लिए, ट्रिक टू मेमोराइज. कार में बैठा के कहीं दूर ले जाकर मार देते थे, तो पहले आप ध्यान दें, मतलब अब इतना लिटरली इसको मत लीजिएगा. पहले क्या है कि किसी को कार में बिठा के दूर ले जाके या तो ठग लेते थे, उसका सामान लूट के उसे छोड़ देते थे, मतलब चीटिंग करते थे, धोखा देते थे. ओवरऑल इसका मतलब ये है, यहीं से ये लिया भी गया है टेक फॉर अ राइड. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. ब्लो स्मोक इन वंस आईज, यहाँ तक है ये गाइस, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ तक है. ठीक है, ब्लो स्मोक इन वंस आईज या फिर थ्रो डस्ट इन वंस आईज, तो या तो आप वो बोल सकते हैं या तो आप ये बोल सकते हैं. चलिए मीनिंग देखते हैं. किसी की आंखों में धूल झोंकना, मतलब वही निकला ना, धोखा देना. ऐसा थोड़े ना किसी की आंख में आप एक्चुअल में धूल डाल देते, इसका मतलब ये होता है कि धोखा देना, टू चीट समबडी, कुछ उसी तरह जैसा कि आपने इसके पहले समझा. ब्लो स्मोक इन वन साइज, अब ये जो वंस लिखती हूँ इसकी जगह योर, हर, आप इस तरीके से यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, आई नो वॉट यू आर अप टू, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करना चाह रहे हो. डोंट ट्राई टू ब्लो स्मोक इन माई आईज, मुझे धोखा देने की या मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो. डोंट ट्राई टू ब्लो स्मोक इन माई आईज, तो वंस की जगह हमने क्या यूज किया, माई. ठीक है, माई आईज. एक और एग्जाम्पल, स्टॉप ब्लोइंग स्मोक इन माई आईज, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं स्टॉप थ्रोइंग डस्ट इन माई आईज. ठीक है, ब्लोइंग स्मोक इन माई आईज, मेरी आंख में धूल झोंकना बंद करो. आई नो योर मोटिव्स बिहाइंड दिस एक्ट, मुझे पता है कि ये जो तुम कर रहे हो इसके पीछे तुम्हारा क्या इरादा है. ठीक है, एक ट्रिक देखते हैं. ट्रिक क्या है कि कैसे याद रखेंगे, जो मैजिशियंस होते हैं आप जानते हैं ना, मजीशियंस यानी जादूगर, धुआं करके ही तो हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं. कभी आपने अगर जादू देखा हो तो धुआं उठ जाता है, फिर वहां से वो गायब हो जाते हैं, कोई और आ जाता है, तो इसी से ये इडियम बना हुआ है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लूज इट, लूज इट पे अगर ध्यान दें तो लूज इट जो है ऐसे लगता है कुछ खोने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी मीनिंग देखिए, दिमाग खराब हो जाना, कुछ समझ ना आना. टू लूज कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, भावनाओं से कंट्रोल खो देना. और इसका एक और मतलब समझिए, टेम्प्ररी एंगर, ये जो दिमाग खराब हो जाना का मतलब यही है कि गुस्सा हो जाना, टेम्प्ररी एंगर और कंफ्यूजन, कुछ समझ में ना आना. ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे सेंटेंस, देखिए. ही केप्ट आस्किंग द सेम क्वेश्चन ओवर एंड ओवर, मतलब कि वो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछता रहा. And I lost it, और मुझे गुस्सा आ गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं. I lost it. और अगर इसे slang में बोलूं, जैसे कि हिंदी में भी slangs होते हैं, कि मेरी हट गई थी, इस तरीके से बोलते हैं ना लोग कि और मेरी हट गई, तो I lost it उसके लिए आप use करेंगे, वो slang हो गया. If you don't help me, actually this is also a slang, कि आप इसे उसी तरीके से use करते हैं, I lost it. If you don't help me with this, अगर तुमने इसमें मेरी मदद नहीं की, I'm going to lose it, मुझे गुस्सा आ जाएगा. I'm going to lose it, तो टू लूज इट. ठीक है ना, मजेदार.
बड़े आराम से यूज कर सकते हैं आप. नेक्स्ट है कीप वंस हेयर ऑन. हेयर बाल की बात कर रहे हैं. कीप ऑन बाल, कोई स्विच तो है नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल चीज तो है नहीं जिसे हम ऑन ऑफ करें, बट इसका मतलब समझिए. वंस की जगह कुछ और आप यूज करेंगे. गुस्से पर काबू रखना मतलब कीप काम. बहुत ही इंटरेस्टिंग वन है, आप इसे बड़े ही आराम से यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, आई नो शी हैड टेकन यू फॉर अ राइड. अब हमने यहाँ पे फिर से इसको यूज कर लिया, टेक समबडी फॉर अ राइड वाला. आई नो शी हैड टेकन यू फॉर अ राइड, मुझे पता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया था. स्टिल फिर भी, यू विल हैव टू कीप योर हेयर ऑन. ओके, क्लियरली दिखना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए आपको. टू कीप योर हेयर ऑन, यू विल हैव टू कीप योर हेयर ऑन व्हेन यू मीट हर. जब तुम उससे मिलो तो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, भले ही उसने तुम्हें धोखा दिया था लेकिन तुम्हें गुस्से पर काबू रखना होगा. तो कीप योर हेयर ऑन इस तरीके से यूज किया. एक और एग्जाम्पल, आई ट्राइड टू कीप माई हेयर ऑन बट आई कुडंट. मैंने कोशिश की कि मैं अपने गुस्से पर काबू रखूं लेकिन मैं नहीं कर सकी, बट आई कुडंट, सो आई ट्राइड टू कीप माई हेयर ऑन. है ना मजेदार, पक्का यूज करेंगे. अभी तक मैंने जितना बताया उन पे आपने सेंटेंसेस लिखे या नहीं, अगर नहीं लिखे हैं तो अब इस वाले को फटाफट कमेंट सेक्शन में एक और सेंटेंस बनाइए और लिखिए. आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस ये जरूरी है. नेक्स्ट, बी मैड एट समवन. बी मैड एट समवन, मैड मीन्स होता है पागल और मैड का एक और मतलब होता है गुस्सा. बी मैड एट समवन मतलब किसी से गुस्सा होना, किसी से नाराज होना, किसी पर गुस्सा करना. टू बी एंग्री एट समवन, ठीक है, ये आप यूज कैसे करेंगे. आर यू मैड एट मी, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो. यस आई एम मैड एट यू, हाँ मैं आपसे गुस्सा हूँ और सच में मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी अगर आपने कमेंट सेक्शन में अभी एक सेंटेंस इस पर नहीं बनाया तो. फटाफट कमेंट सेक्शन में बनाइए और किसी से भी पूछना है या कहना है तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं इस तरीके से. आर यू मैड एट मी, या फिर आई एम मैड एट यू. आई एम मैड एट हिम, मैं उस पर गुस्सा हूँ. आई एम मैड एट हर, मैं उस पर गुस्सा हूँ अगर लड़की है तो. एक और एग्जाम्पल, डोंट बी मैड एट मी, मुझ पर गुस्सा मत हो, मुझ पर गुस्सा मत करो. Why are you being mad at me? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? What have I done? मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ आपसे इतना ही कहा ना कि कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाकर लिखे आप मुझसे गुस्सा क्यों हो रहे हैं. चलिए इस पर आप जरूर लिखेंगे. अब आते हैं यहाँ पे ट्रिक समवन ऑफ. अब ये थोड़ा सा इधर का उधर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं. ट्रिक समवन ऑफ, ये है आपका फ्रेज और ये जो है ये अमेरिकन स्लैंग है, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है. तो बी केयरफुल वाइल यूजिंग दिस. टिक समवन ऑफ, टिक का मतलब आप जानते हैं, ये टिक, बट टिक समवन ऑफ का क्या मतलब होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं. किसी को गुस्सा दिलाना, टू मेक समवन एंग्री. ये सब कुछ बड़ा टिपिकल सा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे इसका मतलब निकल रहा है, बट ऐसा ही आइडियम्स ऐसे ही होते हैं. आप अगर सेपरेट वर्ड के अर्थ निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन इन्हें जब आप इस तरीके से यूज करेंगे तो मतलब निकलेगा. और जब फॉरेनर्स यूज करते हैं तो हमें समझ नहीं आता वो कहना क्या चाह रहा है, इसीलिए तो मैं आपको सिखा रही हूँ किसी को गुस्सा दिलाना. चलिए एग्जाम्पल, हिज एटीट्यूड इज रियली टिकिंग मी ऑफ. मतलब कि उसका जो एटीट्यूड है, जो उसका बर्ताव है, उससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. इज रियली टिकिंग मी ऑफ मतलब टू अनॉय समवन, ऐसे लग रहा है कि मुझे तंग कर रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ उसके इस एटीट्यूड से. इट टिक्स मी ऑफ व्हेन यू स्पीक लाइक दैट. इट टिक्स मी ऑफ, मुझे गुस्सा आता है या मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा मुझे गुस्सा आ जाता है. इट टिक्स मी ऑफ व्हेन यू स्पीक लाइक दैट, जब तुम इस तरीके से बोलते हो. इस पर भी फटाफट एक सेंटेंस बनाकर लिखिए कि किस बात से आपको गुस्सा आता है, आपके घर में कौन ऐसा क्या करता है जिससे आपको गुस्सा आता है, तब आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है. इट टिक्स मी ऑफ व्हेन माई ब्रदर डज दिस, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं. बट यस, आगे बढ़ते हैं. टिक समथिंग ऑफ, वो था समवन ऑफ, वहाँ हम किसी ह्यूमन की बात कर रहे थे, यहाँ समथिंग किसी चीज़ की बात करेंगे. तो इसका मतलब होता है टिक का निशान लगाना, जैसे मैंने बोला ये है ना. तो टिक समथिंग ऑफ, टिक का निशान लगाना. टू मेक अ मार्क नेक्स्ट टू आइटम्स, जब कोई लिस्ट होती है, उसमें चीज़ें लिखी होती हैं तो आप कहते हैं अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, तब हम इसे यूज करते हैं. नेक्स्ट टू आइटम्स ऑन अ लिस्ट दैट हैव बीन डेल्ट विद, जो कि
हो चुकी हैं उस पर जब आप टिक लगाते हैं तो टिक ऑफ का यूज करते हैं. चलिए एग्जाम्पल, एज यू फिनिश ईच टास्क, मान लीजिए आपने पेजेस पे टास्क लिख रखे हैं, एज यू फिनिश ईच टास्क टिक इट ऑफ, जैसे जैसे करते जाओ जो कि है उसे टिक करते जाओ. ठीक है, जैसे जैसे टास्क कंप्लीट करते जाओ टिक इट ऑफ, उसे टिक करते जाओ. चलिए लेट्स टिक ऑफ द आइटम्स, लेट्स टिक ऑफ अगेन, टिक ऑफ द आइटम्स बिफोर वी गो होम. मतलब कि आप मार्केट गए हैं लिस्ट लेके, तो जब घर जाने लगते हैं तो आपको लगता है, आप मान लीजिए अपने फ्रेंड के साथ है, आप कहते हैं लेट्स टिक ऑफ द आइटम्स बिफोर वी गो होम, घर जाने से पहले चलो टिक ऑफ करके देख लेते हैं क्या चीजें हो गई, कुछ रह तो नहीं गया, तब आप इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट, हैव यू टिक्ड ऑफ मीराज नेम ऑन द लिस्ट, हैव यू टिक्ड ऑफ मीराज नेम. तो लिस्ट पे सिर्फ वैसी बातें नहीं, लिस्ट पे मान लीजिए लिखा है आपको मीरा को इन्वाइट करना है, आपने कर लिया, तो पूछ रहा है आपका फ्रेंड कि क्या तुमने मीरा का नाम टिक कर दिया, यानी कि मीरा को बुला चुके हो, टिक कर दिया या नहीं उस पर. ठीक है, ये इसका मतलब हुआ. आगे बढ़ते हैं. वाह, बैक रूम बॉयज, इसका क्या मतलब है? बैक से समझ आ रहा, बैक रूम से कि पिछला कमरा, अब यहाँ बॉयज है, इसकी जगह आप गर्ल्स भी यूज कर सकते हैं, बैक रूम गर्ल्स. ठीक है, मीनिंग वो लोग जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन कभी सामने नहीं आते. पीपल हु डू इम्पॉर्टेंट वर्क, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ, इसकी बात कर रहे हैं. पीपल हु डू इम्पॉर्टेंट वर्क बट डू नॉट हैव डायरेक्ट कनेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक. जैसे आप मूवीज देखते हैं, मूवीज में आप हीरो हीरोइंस उन सबको देखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके पीछे किन किन ने काम किया है. मतलब ये तो पता है कि सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन कौन है कभी आपने चेहरा नहीं देखा, तो वो कहलाते हैं बैक रूम बॉयज, क्योंकि वो पीछे रहते हैं, पर्दे के आगे नहीं आते. सेंटेंस देखते हैं, द प्रेज, प्रेज मस्ट बी गिवन टू द बैक रूम बॉयज. ये जो प्रशंसा दी जा रही है ना, वो बैक रूम बॉयज को देनी चाहिए, क्योंकि मेहनत उनकी ज्यादा लगती है, इसका ये मतलब हुआ. बट आई वॉज नॉट कंटेंट to be a back room girl or boy. As I said, कि आप girl भी use कर सकते हैं, boy भी, अगर लड़की है तो girl, लड़का है तो boy. तो यहाँ इसका मतलब है कि लेकिन मैं संतुष्ट नहीं थी, back room girl बन के मैं संतुष्ट नहीं थी, I was not content. ये content है, इसका मतलब होता है संतुष्ट. ठीक है, और जो मैं आपको देती हूँ, जो पढ़ाती हूँ और जो मैं तैयार करती हूँ, वो कहलाता है कंटेंट. दोनों की स्पेलिंग सेम है बट प्रोनंसिएशन में फर्क है. ठीक है, ये आपने समझ लिया, बैक रूम बॉयज. ये होते हैं कंप्लीट आज के 10, एंड आई एम डैम श्योर गाइस कि आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा और बहुत कुछ आपने सीखा. इन 10 के 10ों को फटाफट एक एक सेंटेंस बना के कॉमेंट सेक्शन में लिखिए अगर अभी तक ना लिखा हो तो. और हाँ, इन्हें यूज़ ज़रूर से कीजिएगा, ज़रूर से यूज़ करना है, आज से यूज़ करना शुरू कर दीजिए. ये सब आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. बैक रूम बॉयज़ के बारे में सिर्फ बात कर सकते हैं कि मूवीज़ में वो जो बैक रूम बॉयज़ होते हैं एंड ऑल, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, बट यूज़ ज़रूर कीजिए सबको. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को अगर नए हो तो, यानी कि चैनल पर अगर सब्सक्राइब रेड कलर से लिखा हुआ आ रहा है तो सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं दैट मीन्स कि आप कर चुके हैं. तो उसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, सबके साथ खूब शेयर कीजिए, सबको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलनी चाहिए. सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.